अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करते सब खैरियत से होंगे। और आज हमारा चौथा दिन था यहाँ पे। आज हम आगे हुए थे, आगे मतलब मालम जब्बा की साइड पे। तो मालम जब्बा वाली साइड पे आपको हम दिखा देते हैं आज जाते वापसी के। अभी हम निकलेंगे फिर कगान की तरफ, तो उधर से आपको व्यू दिखा देंगे क्या क्या है। और यहाँ पे रूम का रेंट भी बड़ा मुनासिब था। यहाँ पे देखिए, हमें 4,000 में ही मिला था रूम। और यहाँ से आगे निकलते हैं, आगे देखें पता नहीं कितने का मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। अच्छा जी, ये हमारे रूम का रिव्यू है। यहाँ पे जो मालूम जब हमें रुके थे, इसके बाहर अगर आपको दिखाया जाए तो ये इस टाइप की मतलब व्यू आ रहे हैं। यहाँ पे व्यू ऑफ पॉइंट के हवाले से बात की जाए तो काफ़ी प्यारा व्यू है। और ठीक है, यहाँ से यहाँ पे हम रुके हुए थे और इधर रुक के हमने तकरीबन रात तक स्टे किया है। और फिर अभी मतलब चेकआउट हमारा टाइम है, अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, निकलते हैं और साथ में हम आगे जाएंगे। सही बात है कि आगे भी स्टे करना है। मैंने ये प्लान किया हुआ था कि हम हर जगह पर स्टे करते जाएंगे, मतलब आपको हर जगह का रिव्यू दिखाया जाएगा। यहाँ पर कितने का रूम है और कितने का मिलेगा आपको, तो आप लोग जरूर देखें और आगे चलें। ये यहाँ पे मेन रोड का व्यू है, इस वक्त आपको नज़र आ रहा है मेन रोड का है। और मेन रोड से बिल्कुल ऊपर रूम लिया हुआ जी। हम अभी यहाँ से निकले हैं रूम से, मालूम जब्बा से अब निकल आए हैं। ठीक है, अब हम आ गए हैं अपने गाड़ी की जाने, तो गाड़ी में बैठ के फिर आगे निकलते हैं। हम तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, अब हम गाड़ी में बैठ गए हैं, तो गाड़ी स्टार्ट करके हम निकलने लगे हैं यहाँ से। बच्चे मैंने पीछे बैठा लिए थे, सामान सारा रख लिया गाड़ी में। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और निकलते हैं रास्ते में, फिर आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर ये था कि मौसम थोड़ा गर्म था, जो ठंडक वहाँ पे थी यहाँ पे वो ठंडा नहीं था, मौसम गर्म है यहाँ पे। तो निकलते हुए अपने सफ़र की जानिब, तो आपको साथ साथ दिखाते हैं। इस वक्त हम रुक गए हैं एक आबशार के पास। आबशार तो है इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन ये व्यू जो देखने वाला है इस वक्त यहाँ पर, व्यू बड़ा कमाल का है। वो सामने आपको नज़र आ रहा है, मौसम बहुत कमाल का हुआ है। उसके बाद ये ऊपर देखें आप, फुल ठंडा मौसम, मतलब वैसे लग रहा है जैसे बादल पहाड़ों को जून के गुजर रहे हैं। उसके बाद इस साइड पर बात की जाए तो वो बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है कि पहाड़ों के नीचे से बादल गुजर रहे हैं, मतलब फुल उनको चूम के गुजर रहे हैं, मतलब फुल जैसे एक किसी को चक्की का ही हो वैसा सीन है इस वक्त। बिल्कुल बहुत कमाल का मौसम है इस वक्त। जिधर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर तो धूप है, लेकिन वो ऊपर आपको दिखा रहा हूँ वहाँ पर इस साइड का मौसम और उस साइड का मौसम कमाल का यार। इतना ठंडा मौसम है यहाँ पे, मज़ा आ रहा है यहाँ पे। वो देखें, आपको व्यू दिखा देता हूँ। बादल देखें आपको इस वक्त पहाड़ों के साथ झूलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये ऊपर वाला ये जो व्यू मुझे बहुत ही कमाल का लग रहा है, क्योंकि ये देखें इसे धूप है, ऊपर जो छांव नज़र आ रही है ना, ये बहुत ही कमाल की छांव नज़र आ रही है। उसके बाद वो पीछे वाला देख लें आप। वो मैं तो यहाँ पे इसलिए रुका हूँ, मैंने कहा थोड़ा सा स्टे करते हैं, अब आगे चलते हैं। हाँ जी, इस वक्त हमने स्टे किया है यहाँ पे होटल में। देखें, बहुत ही प्यारा सा उन्होंने बनाया हुआ है व्यू है। और इधर आबशार आ रही है, आबशार में पानी कुर्सियाँ लगी हैं, टेबल लगे हुए हैं, बैठे हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए। खाना मूसा भी वेट कर रहा है, सब बच्चों को भूख लगी थी। मूसा देखे बड़ा एंजॉय कर रहा है। और इसी के साथ मेन्यू आ गया, मेन्यू लेते हैं और ऑर्डर करते हैं खाना हमारा। और खाना इनका सोना के काफ़ी टेस्टी होता है, तो हम ऑर्डर करके अभी चेक कर लेते हैं क्या है। बच्चे इंजॉय कर रहे थे पानी में। आबशार जी, नाश्ता हमने कर लिया था अभी, काफ़ी लेट हमने नाश्ता किया और लोग इंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा ही। मौसम बड़ा मज़े का हो गया, ऊपर आप देख सकते हैं फुल बादल आ गए हैं और बारिश आ रही है हल्की हल्की सी। पहाड़ों में बारिश हो तो आपको पता है कैसा मौसम बन जाता है। तो बस ऐसा ही मौसम हुआ है, मूसा मज़े से एंजॉय कर रहा है बैठ के। इधर देखें ना, गर्मी से सताए हुए बाबे बाबे भी जनाब इंजॉय कर रहे हैं। और पानी का ये आपको दिखा दूँ मैं, ये देखिए सीन ऐसा है कि ऊपर तक मौसम ऐसा हो गया। ये रेस्टोरेंट पर हमें रुक के खाना खाया, बहुत ही प्यारा और कमाल का रेस्टोरेंट है। तो आप लोग जब भी आएँ तो मूसा के साथ आए। मूसा हाय, मूसा हाय कर रहा है। तो हम आगे जिधर स्टे करेंगे फिर आपको साथ दिखाएंगे, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे ये फ्रेश फिश निकाल के ना आपकी आंखों के सामने, तो निकाल के आपको बना के देते हैं फिर। जी, ये हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया है और शाम का टाइम हो रहा है। ये देखें, वो आपको नज़र आ रहा होगा अगर कि सूरज थोड़ा थोड़ा सा बस नज़र आ रहा है, ग्रूप हो रहा है, मतलब पहाड़ों के पीछे आ गया। अभी सूरज ग्रूप होता नज़र आ रहा है आपको। तो हम वापसी पे निकल आए, हज़ारा मोटरवे पे अभी चढ़े हैं और हज़ारा मोटरवे से होके हम वापस जाएँगे। बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं पीछे, कम्बल शम्बल ले कर लेट गए हैं क्योंकि ठंड लग रही है उनको। और ठंड वाकई हो गई है, बारिश की वजह से ठंड हुई है।
ये मोटरवे पर भी हम चढ़ चुके हैं, तो इंशाल्लाह फिर पहुँचते हैं तो इंशाल्लाह का आगाज़ करेंगे अगले व्लॉग का जल्दी। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।